वो मुक्ति पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। उन दो तनों का कोई नहीं, स्थूल और सूक्ष्म का कोई लेना देना खा सकते, वो सिर्फ तुम्हारे ये खर और अक्षर बनाने की सहायता करते हैं, बस। और क्या करते? पांच तत्वों में, तभी तो बोला पहला तत्व, मैंने आपको बोला पांच तत्व, जो पांचवें तत्व में आता है उसका मन बड़ा चेतन, श्रुति डिम होती है और मन चेतन। पहले तत्व का अंश जो है, जो भी है, वो श्रुति से बड़ा चेतन होता है और मन से बड़ा कमजोर। दूसरे तत्व वाला वन तत्व से दो तत्व है, अब उसका मन थोड़ा ज्यादा है उस एक तत्व वाले से, लेकिन आत्मा की जो स्ट्रेंथ थी, पावर कम हो, एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता। मनुष्य जब बन गया तो तुम्हारे अंदर श्रुति है वैसी हर एक में, लेकिन चेतना श्रुति की कम, तुम्हारी चेतना मन की मैक्सिमम, तुम्हारी मन की चेतना 75% होती है और आत्मा की चेतना 25%, और वो भी 25% मन उसे काम ले। मन आत्मा से 25% काम ले सकता, क्योंकि वो 75 है, उसको 100 करना है, 75 खुद है 25। इसलिए बड़ी बातें हैं बताने वाली, उतनी कहां बता पे हो, चला जाऊंगा। इसलिए बोला मछली को देख लो पानी, बड़ी चेतन श्रुतिवान, आंखों से देखती है, बड़े प्यार से देखती है, रुक जाती है, देखती है, बड़ी मस्तानी चाल है, बड़े सुंदर खेल खेलती है मछलियां, डिफरेंट काइंड, प्यार भी करती है, क्योंकि उनमें आत्मा बहुत सहज। एक तत्व है, आप सोचो पांच तत्व 20% पर लगाओ, सो गया, एक तत्व में 20% ही हुआ ना मन, 80% उसमें क्या है, चेतन। और जो मनुष्य बन गया उसको अपनी चेतना को, मन को भगाना है और चेतना को जगाना है, वरना उसके अंदर 75% मैक्सिमम, जो अगर आप मुझसे पूछते हो तो 75% तो मन है ही, बढ़ो 25% तुम्हारे आत्मा, और वो भी मैंने बोला मन उससे काम ले, तुम उससे कोई काम ही नहीं लेते, वो मन ले। इसलिए संसार में रहकर बिना वैनाम शब्द के तुम कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकते, रह सकते, तो ख्वाब क्यों लेते? बिन वैनाम शब्द के तुम कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकते, कोई भी। अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड ही खुद बनाना है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, जिसमें हाइड्रोजन भी होती है, सल्फर भी होता है और ऑक्सीजन, दो हिस्से हाइड्रोजन है, एक हिस्सा सल्फर है और 4 times ऑक्सीजन, उसको भी बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लेटिनाइड क्लोराइड H2PETCl6 कैटलिस्ट डाला जाता है। बिना कैटलिस्ट के तुम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं जनरेट कर सकते, हर चीज के लिए कैटलिस्ट चाहिए। जब उन चीजों के लिए जो संसारी चीजें, उनको उनको बनाने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, तो फिर आप खुद ही सोच लो आत्मा को मन से अलादा करने की क्या ताकत है, क्योंकि मन बड़ा शक्तिशाली, इससे बड़ी ताकत ही तुम्हारे पास होगी तो तुम मन को आत्मा से अलादा करो। और वो शब्द जिसमें सत्पुरुष समाया, वो होता है पूर्ण संत के पास। सार शब्द सत्पुरुष सहाय, ता मैं सत्पुरुष वासा ले जान, वह शब्द जो पाता प्यारो, मन और मान छूटा ले जान। मन और मान तब जाए, बिन सार शब्द कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय, तुम्हारे उपाय से तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कोई बड़े लच्छेदार प्रवचन दे के तुम्हें भरमाते हैं,
क्योंकि सारा संसार एक ना बोला, दो ना बोला, बोला फिर अकुल संसार, तो वो अपने लच्छेदार भाषणों से आपको बरमाते और आप भेद जाते। मदारी है आजकल, तो मदारी हमारे कुटुंब में बड़े मदारी होते थे और वो बड़े बड़े ट्रिक खेलते थे, ताशों के ट्रिक, बाकी चीजों के ट्रिक, और चीजें बेचते थे और एक घंटे में चीजें बेच के चले भी जाते, लोगों को बुद्धू बना के बेच के चले। सब नकली होती थी, कुछ भी उन चीजों में नहीं होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे को तुम क्या समझोगे संगत वाला, मैं बड़ा गंभीर रहता हूं, वक्त वक्त पर थोड़ी झलक देता, मैं तुम्हारे लिए नहीं गाता, मैं ही इस संगीत में बसा हुआ, मेरा सत्प्रीति संगीत में बसा हुआ, इसको मैं कहां छोड़ सकता हूं। जो बचपन में मेरे अंदर रम गया, बचपन में रमा था लेकिन उस चिल्ड्रन होम में मेरे को उससे छीना गया, बड़ा मेरे से बड़ा काम वहां लिया जाता था। मालिक ने मुझे बड़ा अच्छा बनाया था लेकिन वहां का स्टाफ जलसी की निगाह से मुझे देखता, जलन की निगाह से देखता था और मुझसे अनड्यू काम लेता। मैंने आपको बताया है, 9 साल ही वहां मैं गेस्ट मिनिस्टर रहा। नाम था गेस्ट मिनिस्टर, तो बेसिकली मैं क्या था, मैं चपरासी से भी नीचे था और अपना कीमती समय जो मेरा पढ़ाई को होता था वो निकाल के जो वहां गेस्ट होता था उसको अटेंड करता, उसके लिए किचन से रोटी लानी है, उसके लिए बिस्तर का इंतजाम करना है, उसके लिए मंजा लाना है, उसके लिए कमरा साफ करना है, उसके लिए वहां पानी का इंतजाम करना है, रोटी उसको खिलानी है, रोटी खिला के उसके बर्तन मांजने हैं, बर्तन मांज के किचन में सौंपने, दूसरे दिन फिर जाना है, चाय के समय चाय का बर्तन लाना है, चाय लानी है उसके लिए, फिर अपने लिए भी। समय तो उतना ही था जितना बाकियों को मिलता उतना मुझे, अगर ऐसा ना करता तो वहां से निकलना पड़ता, तो मेरा कोई सोर्स नहीं था जहां मैं पढ़ सकता, और पढ़ाई में भी मुझे बड़ा तंग किया जाता था। जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था उसको डायरेक्शन थी, मेरे को मेहनत करने की हैबिट थी, मैं जहां पढ़ने के लिए बैठता था क्योंकि 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी, मैं जिस जगह भी किसी खंबे के नीचे भी मैं जाके बैठ के पढ़ता था वो खंबे का बल्ब उतार लेता। मैं जो बड़े छोटे बच्चे थे उनके कमरे में लाइट जगती रहती थी क्योंकि उनकी दूसरे कमरे में अटेंडेंट रहती थी, वो भी ऑफिसर थी वहां की, बच्चों की देखभाल करने के लिए थी, मैं उनकी लाइट जगती थी, मैं वहां पढ़ने के लिए चला गया क्योंकि वहां मेरा छोटा भाई होता, मैं वहां, वो वहां पर भी आगे बल्ब उतार, और वो जो उतारता था वो मेरा क्लास का, पर उनको पढ़ाई से शौक नहीं था। इसलिए मैंने जो जीवन काटा है बड़ा भयानक, बहुत ही भयानक जीवन, क्यों कि आज पता लगता है वो मेरे सत्पुरुष मुझे तैयार कर रहे थे। पढ़ाई में जाता था तो वहां काबिलियत थे, वहां क्लास में जल सिखाते थे, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाला स्टाफ मेरे साथ अच्छा था, पर वो कर क्या सकते थे। होम में मेरे को बड़ा, उस चिल्ड्रन होम यतीम खाने में मैंने बड़े दुख देखे, इसलिए आपसे कहता हूं कि बाबा मैं तो गाता हूं अपने प्यारे के लिए, अपने लिए, तुम्हारे लिए थोड़े ही गाता, तुमसे मैंने क्या लेने गा लगा, ना मैं तुम्हें कोई प्रभावित करना चाहता लेकिन द्रोह छोड़ना चाहता, कोई आज से हजारों साल बाद भी मेरा भजन सुने वो मेरे प्रवचन नहीं सुनेगा, मेरे भजन सुने। प्रवचन करने में दुनिया में बड़े, भजन गाने वाले लिमिटेड, और भजन
कबीर साहब भी कोई 10 और 12 लिखे गए, मैंने तो 1.5 लिखे और बड़े बड़े लंबे। अभी ये भजन जो बोला आज रात को लिखा, देखा कितनी प्रैक्टिस है लिखने की। रात को फेर लिखा और आपको इस समय सुना देते, एक योगी का आपके सामने बैठे, मुझे क्या लेना देना संसार तजा, ये संसार सगला तजा, ना कुछ लेन ना देन। गाता हूं अपने सतपुरुष के लिए, उससे ये लेन और देन। मीरा किसके लिए नाचती थी? पहले कृष्ण के लिए नाची, प्रेम करती थी तो नाची, फिर किसके लिए नाची? अपने गुरु रविदास जी के लिए नाची, पर नाची। उसके पास वो गुण था, उसी में उसका सतपुरुष आकर उसी में डांस करते थे, कौन नाचता था? ये जो गुण है ना, नाचना, गाना, चित्रकारी, भजन लिखना, भजन गाना, ये सब प्रेजेंट में रखते, ये प्रेजेंट की धरोहर है, इनकी कीमत नहीं। इसलिए जिन्होंने अपने संगीत को बेच दिया, उन्होंने तो दूसरों के लिए गाया, दूसरों के लिखे गाए, दूसरों की तर्जे निकाली उनके मुताबिक गाया। मैं तो तर्ज भी खुद लगाता हूं, देख पता ही ना था और आप तर्ज से गा भी लिया। एक ही समय में 3 बजे लिखा, लिखने की भूमिका बनी, 4 बजे समझो कलम पकड़ी, 5:30 तक लिखा, फिर पहुंचे पाचे उन कामों में जुट गया, सारे काम काज कर कुर के तैयार होके आपके पास 9:30 बजे पूरे बैठ के सत्संग दे, दूध वगैरह ले लिया आपने, ली बाडी में भी डाल दी। इसलिए मत कभी समझो मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए गाता हूं, जो मुझे देखेंगे भी नहीं, मुझे जानेंगे भी नहीं, परंतु मेरी आवाज कहीं रही, मेरी ये किताबें कहीं रही तो पढ़े, और इस गाने से उनको ये लाभ मिलेगा कि तर्ज मिल जाएगी, उनको यत्न नहीं करना पड़े। तुम्हारे लिए कभी नहीं लिखूंगा और ना लिखता, कुछ भी नहीं मैंने तुम्हारे लिए लिखा, मैंने लिखा अपने प्यारे के लिए। जितने दोए अभी मुझे बताया गया 10,500 से मैंने ऊपर दोए लिखे, 10,500, अभी सोच लो आप 10 सालों में 10,500 से ज्यादा ऊपर दोए लिखे, और फिर एंट्रेंस का काम भी इन टच रहता, उसको भी मापने से निकलने नहीं देता, फिर भजन 300 से ऊपर लिखे, काव्य लिखने, बड़े काव्य लिखे, लेकिन थकता नहीं, प्रतिदिन लिखता, लेकिन मैं लिखता हूं ये मालिक लिखाता है, किस लिए लिखा रहा है उसको पता, मुझे नहीं पता, क्यों अभी रात को लिखा है मुझे नहीं पता, उठता मैं 3 बजे हूं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो मैं उठता हूं, लेकिन सीधा ही उसने कहा लिखो, और मैंने कुदरती रात को ही पैड मेरा ऊपर ले गया, नहीं तो मैं नहीं ले जाता, नीचे रह, पेन भी ले गया हुआ था, पैड भी ले गया हुआ था, सब कुछ ले गया था ऊपर, शीट भी थे लाइन वाले, वो भी थे, इंक भी साथ थे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा प्यारा ही सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं करता, जो वो देता है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन इतना मैं प्रेजेंट वाली बात करूंगा, ये सारे दोष समझाऊंगा, लेकिन यही कहना है कि तुम ब्रह्म में ना जाओ, बिन सार शब्द कोई प्रेजेंट में आ ही नहीं सकता, तुम्हें सार शब्द से सतपुरुष को पाना है, सुरतीवान बनना है, फिर मन और मान मिटेगा, नहीं तो मन का राज है अंदर, 75% वो बैठा है, 75 से भी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर अवर्ण है, 25 बैठे हो तो वो भी अवर्ण से लदा, तुम्हारे से वही काम ले रहा, मन ही ले रहा, तुम आप कभी नहीं जाग सकते, ये काम यत्न से ना हो, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, सतगुरु कृपा मीन सार शब्द, जो पाएगा वह ही
आत्म को जगा पाएगा वही आत्मिक बन जाएगा, मन मान को मिटाएगा और निज घर जाएगा। गुरुवा लोगों के पास पांच शब्द कुछ नहीं करते, पांच शब्द निरंकार के, स्वाम सत ज्योति निरंजन निरंकार उनका। और ये पांच शब्द जो है ये पांच मुद्राओं में, पांच मुद्राएं पांच तत्व को रिप्रेजेंट करती है और सात चक्रों के। और वहां पर भी अगर तुम जानते हो तो तुम 75% चेतन हो सकते हो, उससे ऊपर तुम चेतन नहीं हो सकते। जिस तरह तुम्हारे अंदर 75% मन काम करता है, 100% नहीं करता। जो 25% है तुम्हारी बॉडी को मेंटेन में रहता है, जो अंदर अफेक्ट करता है वो 75% करता है, और 25% आत्मा उसके कंट्रोल 100 बनता है। 75% आत्मा उसके कंट्रोल में नहीं, वो क्या है, अनअफेक्टेड रेस्ट। तुम कि तुमने उसे चेतन नहीं किया, तुम उसे 100% चेतन कर सकते। और जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी है वो 75% तक आदमी बन सकते, जितनी पर मन का कंट्रोल है वो भी उतना ही अटेन कर सकते, उससे ऊपर नहीं कर सकते। ये भी पहली बार बोल रहा हूं जो बातें बोल रहा हूं, वो मेरे अरेबी लिखने में नहीं आई, मेरी पुस्तकों में नहीं आई। इसलिए तुम्हें मुझे जानने में कोई आसानी नहीं है कि तुम फटाफट मुझे जान जाओ। संत एक पूर्ण जो आता है उसे समझना बड़ा ही कठिन काम, अति कठिन। उसको समझ लेना मतलब है सतपुरुष को समझ लिया। सतगुरु तद रूप सतपुरुष के जानो, अगर सतगुरु को समझ जाओ तो सतपुरुष जान लिया ना, फिर क्या रहे। निरंकार को समझ जाओ, जो महायोगेश्वर बने वो 75% निरंकार, 25% आत्मा को करता, 75% वो है। तो वो लोग क्या कर लेते हैं, वो ऋषि मुनि जब भी वो 75% आत्मिक हो जाते, उनके पास मन 25% होता, लेकिन 75% आत्मिक होने तुम स्वर्गों में जा सकते हो, शायद सातर में जा सकते हो, तुम दोनों में मगन रह सकते हो, तुम महाशून्य में जा सकते हो, सहज लोक में जा सकते हो, वाणी लोक में जा सकते हो, जा सकते हो। लेकिन रहोगे काल के अंदर, फिर जन्म लेना। ये पिकनिक स्पॉट है, तब तुम जाओ। पूर्ण मोक्ष तभी पाओगे जब बैनाम शब्द की दात कोई पाता वही निज गर्भ हो जाता, वही सतपुरुष के दर्शन पाता पूर्ण मोक्ष को पा निज घर को जाता। 100% तो तुम तब होते हो जब सुरत कमल में जाते हो, नहीं तो तुम मैक्सिमम जो योगेश्वर से भी आगे इवन संत बन जाए 99% बनते हैं मानसरोवर तक, ट्रेसिस बीच में रहते हैं उसको कहते हैं 100, लेकिन नहीं ट्रेसिस होती जो मानसरोवर में आपसे निकाले जाते। निज धाम जिसने जाना है वो 100% जाएगा। अगर इस धरती पर ही तुम 100% जो संत होता तो काम कर रहे हो, तो 100% आप उसे मानसरोवर, मुझे कोई मानसरोवर नहीं जाना, हुआ है आपकी सफाई होगी, आप संसार यहां की मैं मुझे नहीं कोई असर कर सकता। इसलिए जो जाग जाएगा उसके उसके पास संसार की कोई बुराई इफेक्ट नहीं कर सकती, ना उसको कोई सेक्स सता सकता है, ना उसको किसी की गाली सता सकती, ना उसको किसी की निंदा सता सकती, ना उसको कोई बीमारी सता सकती, ना वो कोई दवाई खाएगा, ना कोई इलाज कराएगा। मैं आपके सामने ना कोई दवाई खाता हूं, ना इलाज करवाता हूं, कुछ नहीं करता। अब बिल्कुल ऐसी तकलीफ ही नहीं होती जिससे मैं दवाई खाऊं। और दूसरी बात है कि हम खाते नहीं, शरीर तजना तैयार बैठे क्यों खाने। बीमारी का मतलब यह है कि तुम्हारा पता लगाता है मन बीमारी से कि तुम उसे कितने डरते। जो डर गया सो मर गया,
जब तुम दौड़े डॉक्टरों के पास दवाई के बाद, वो कहता हाँ ये अभी मेरा ही, ये काल में रहेगा, ये बाहर नहीं जा सकता, देखा? वो तुम्हें टेस्ट करता है यूनिट माइंड के द्वारा, कॉस्मिक माइंड के द्वारा, ये बाबा कहां तक जाने वाला है, इसकी दौड़ कितनी, तुम्हारी दौड़ को देखता। इसलिए बीमारी का मतलब ही है कि तुम उस अंग को तब पहचानते, नहीं तो तुम उस अंग को जानते। पैर को कांटा चुभेगा तो फटाफट कांटा निकालने के लिए पैर की याद आई, हो पैर। सर दर्द होगा तो सर दर्द की याद आई, हो मुझे सर दर्द। फिर उसकी तुम बड़ी व्याख्याएं करते दूसरे के सामने, बुजुर्ग है तो वो बच्चों को बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाए, बड़ी मुझे तकलीफ है, मुझे क्या है, ये करो वो करो, परेशान। और जब संतत्व की धारा में है तो हमें 100 रुपये की कोई बात हो तो हम ज्यादा से ज्यादा पता लिखना देते हैं, 1 पैसे के बराबर, 1 पैसे। और हमको डॉक्टर भी देखे तो उनको भी 1 पैसे ही पता चल, उससे ऊपर उनको भी नहीं पता चल, ये भी बता। इसलिए तुमको हम ये कहते हैं कि बाबा पूर्ण सतगुरु बात बने नहीं, और सतगुरु को तुम कैसे जानोगे, चाहे उसके साथ कितनी बात करो, वो तो तद रूप सतपुरुष का है, उतनी ही ताकत लिए हुए हैं जितनी सतपुरुष की, सतपुरुष निज धाम में उतनी ताकत से एक संत इस संसार में बैठे, उसी का नाम है तद रूप, डिटो कॉपी डुप्लीकेट ऑफ सतपुरुष, ट्विन से भी ज्यादा है, ट्विन को फिर पहचान लो, लेकिन सतगुरु और सतपुरुष की पहचान है ही नहीं। तन से मत पहचानो, उन्होंने तन को तजा, हमारे को तन से कोई लेन देन। इसलिए कहा जीवत मरिए बहु जनतरी, जीवत मरना आ गया तो हो गया भजन, स्वांसा उर्द्वमुखी करनी आ गई तो हो गया भजन, बाड़ी सुन करनी आ गई तो हो गया भजन, ईडा पिंगला सम हो गई, सुषमन खुल गई तो हो गया भजन, इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, इतना सा काम कर लो तो तुम इतना सा काम करोगे तो तुम 99% आत्मिक हो जाए। वो योगी कई कई साल हजारों साल लगाकर भी वो मैक्सिमम जाते हैं 75। योगेश्वर जाते हैं 90%, योगेश्वर 90% जाते हैं, उससे आगे क्योंकि उसके आगे, क्योंकि वो तुरियातीत तक जाते हैं, ज्ञान दे और विज्ञान को सिर्फ व्यंगम चाल से एक संत पार कर, वो इस धरती पर रहकर मानसरोवर जाए बिना 99% आत्मिक होता है, तभी शास्त्र सार में जा सकते, 99% आत्मिक शास्त्र सार में जाते। तो मैं गया हूं तो कोई विरला एग्जाम्पल है, आज तक किसी ने नहीं कहा इस सृष्टि में कि वो शास्त्र सार में गया और मैं गिनती से बाहर आ गया, वहां पर अंदर एक बार गया उसकी परिक्रमा गिनती से बाहर आ गई, अंदर एक सतपुरुष के साथ गया वो भी जहां कोरा पत्थर इशू। इसलिए मन को तुम मिटा कर ही इस पल में आ सकते हो, तो इस पल में ऐसे कैसे आओ। तो बोलने वाले लोगों को भरमाते, भरमों में डाल, बिना सार शब्द के तुम 75% से आगे जा ही नहीं सकते। बिन सतगुरु पाए कोई आत्मिक पूरी चेतन मत कर पाए, 99% आत्मिक चेतन तभी होती है प्यारो जब सतपुरुष का पूरा हाथ आप पर हो, तो उससे के बिना, क्योंकि महायोगेश्वरों से आगे जाने का अर्थ है कि उसमें सतपुरुष का योगदान होना चाहिए, वो आपको तैयार कर रहे हैं तब, उसके बिना। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको बड़े प्रवचनों की कोई चिंता ना करो, वो तो मुझे आपको देने ही देने हैं, आइए एक दो सेंटेंसे की बात कर लेते हैं, पहले ही की बात कर ले तो भी बन जाता है। बैनाम शब्द गाने दा वेला है, बैनाम शब्द गाने दा वेला है, साहिबा हुण मेर कर,
वैनाम शब्द का मतलब ये सतपुरुष का शब्द विदे लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, वो शब्द जब तुम्हारे पास है उसके गाने का वक्त है, क्योंकि समय कलयुग भयानक। इंसान अपना हर चीज खो चुका है, स्वयं पैसे को उसको कुछ नहीं देखता, पद प्रतिष्ठा और पैसा इनका बोलबाला है, बाकी सब मुकर गरीब से गरीब हो रहा है और वो पतन से पतनी नहीं हो रहा, खुदकशियां भी लोग कर रहे हैं, बच्चों की परवाह किए मां बाप खुदकशियां कर रहे, बिजनेस चौपट हो गए तो खुदकशियां कर रहे। इसलिए बैनाम शब्द गाने का वेला है, कहने का मतलब इस दात को पाने का असली वक्त आ गया। साहिबा होन मेर करो, मेर तभी होगी जब तुम्हें झुकना आएगा, झुकना आ गया तो मेर होगी, झुकना ना आए तो मेर नहीं होगी। ये दुख भी तुम्हें तभी, तुम्हें झुकना नहीं आया संसार में तो तुम्हें काल सतारा, जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा है, मेरा कैसे होने, झुकना है, झुकना ही नहीं आता, मान से क्या पालो, मान बड़े मुनिवर गने मान सभी को खाए, इसलिए मान से तुम कहते हो मुझे कुछ मिले, कुछ नहीं मिलने वाला, असा इस पल विच रहना है, तुसी खुद कथों रहोगे पापा जी, इस पल च जब तक दात नहीं होएगी तब तक नहीं रह सकते, इस पल में वही आता है जिसके पास ये कैटलिस्ट वैनाम शब्द होगा, उसके बिना नहीं तो काल में ही मन में ही हो गए, ये सिर्फ बहाने हैं अपने आप को खुश करने के, गालब ये ख्याल अच्छा है, दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा, बाकी इसमें है कुछ नहीं सच्चाई, बिन सार शब्द को इस पल में आ सकता नहीं, कोटन करे उपाय, असा इस पल में रहना है, इस पल में तेरा फेरा है, ये लाइन बड़ी कठिन है बड़ा, इस पल विच तेरा फेरा है का मतलब है कि तुम्हारा फेरा लगा तो एक संत आ गया धरती पर, तेरे फेरे से ही संत आया, तेरे फेरे बिना वो कहां, शाह शास्त्र सार में मेरे साथ गए, सुरत कमल में वो आए, संग निज घर ले गए, फेरा लगाया, जब कोई संत बनाना पड़ता है तो फेरा भी लगाना पड़ता है, बिन साहिबन दर्श के कोई चेतन हो नहीं पाता है, जो चेतन हो जाए वो दूसरों को चेतन कर जाता है, अब मैं दूसरों को कर सकता हूं क्योंकि वही दात मेरे पास है जो सतपुरुष के पास, नहीं तो आप ही बताओ इतनी सुबह भजन लिख भी देना गा भी देना और आपके पास पहुंच जाना, सारा काम करने कितना कठिन काम था, 11 अंतरे लोग हफ्ता हफ्ता एक गजल लिखने के लिए लगाते, लेकिन मैं भजन इतनी स्पीड से लिखता हूं, जब लिखता हूं क्योंकि उसका सतपुरुष की प्रेरणा होती है तो लिखता हूं, और जरा रफ नहीं किया सीधा पेन, आपसे झूठ नहीं बोल, इस पल विच तेरा फेरा है, जब संत कोई चीज बोलता है तो वो उसके अंदर ही बैठा होता है, फेरा ही फेरा होता है, हर पल उसका फेरा, मैंने जितना सत्संग किया तो वो साथ थे ना, अब भी जो बोल रहा तो साथ कहां गए, जा ही नहीं सकते, पकड़ के रखना पड़ता है साहिब को संत को, साहिब संत को पकड़ के रखते हैं, इसी पल में रखते हैं, उनके साय के बिना तुम इस पल में नहीं रह सकते, तब कहा जे तू मेरा हो रे, सतपुरुष कहते जे तू मेरा हो रे सब कुछ तेरा हो, फिर तुम्हें दास बन गया तेरा, पल पल दासा बन के रहते हैं, सब काम खुद ही करते, नाम सतगुरु को दे जाते, खुद सारा करते, सतगुरु तो केवल नाम पाता है, उसके अतिरिक्त तो उसके पास और कुछ है। आइए पहले अंतरे पर चलते हैं, तो पहली लाइन थी तेरे संग संग जाना है निज घर नू पा जाना है, जब दात मिले सतगुरु के मुताबिक हो जाओ
उतनी उन्ति, उन्ति का मतलब है समर्पण। सतगुरु को ही नहीं लोग समझ पाते समर्पण कहां से है। इसलिए समर्पण पल पल झुकने से आता है, पल पल अपने अंदर के नुक्स निकालते जाओ, बाहर फेंकते जाओ आता है, अपनी खामियों को जानते जाओ और सिमरन से उनको बाहर फेंकते जाओ। जैसे चावल होते हैं उनमें कोई छोटे छोटे कंकर होते हैं, उसमें कोई जिसे हम बंड कहते हैं, जिसमें अभी खोल उतारा नहीं है, वो होते हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, फिर चावल साफ हो जाते हैं, फिर उनका खाना बन। इसी तरह से जब तक तुम अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां बाहर नहीं निकालो, तब तक तुम सत्य के रास्ते कैसे चलो, तब तक तुम सत्य कैसे पाओ। इस पल में रहने का मतलब पता क्या, तुम प्रेमी बन गए, तुम्हें आप कोई प्रेसी नहीं चाहिए, प्रेमी हो गए पूर्ण। अब तुम अपने आप में संतुष्ट हो हर ढंग से, प्रेमा तुम हर समय अपने सतगुरु में ही खोए हो, तुम्हें उनके बिना कोई चीज और दिखाई नहीं देती। अब प्रेसी गई, संसार गया, रिश्ते नाते गए, एक सतगुरु हुई, आंखों में आन समा गया। एक पल के लिए जो सतगुरु से बिछड़ना न चाहे, अंदर से पकड़ के रखे, दूरी जुड़ी रहे, तो प्रेम पूरी तरह से कोई भाव ना आए किसी किस्म का, स्वाय शब्द के कोई और चीज ना खाए, खाना खाए तो शब्द साथ, चले तो शब्द साथ, बैठे तो शब्द साथ, बात करे तो शब्द साथ, बात करे तो बहुत कम, सोए तो शब्द साथ, जागे तो शब्द साथ, एक पल भी जो बिछड़ न पाए शब्द को, वही जागन की ओर जान रहे। और जो जागन का मतलब ही है प्रेमी हो जाए, सत्य हो जाए, और आनंद और संसार आनंद पता है किसको बोलता है, तो भाई रोटी तुम खाओगे तो वाह 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 तुम प्रेजेंट में बड़ी मीठी लगे, बाबा जब तुम प्रेजेंट में लगोगे तो वो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या तुम खा रहे, न मीठी न खट्टी न कुछ, बस उसमें भी सतपुरुष रूप ही नजर आएगा। सतपुरुष ना मीठे है ना खट्टे है ना कड़वे, बस अमृत की धारा होगी, ना खट्टा ना मीठा, अमृत पिया है तो अमृत का स्वाद हो, और अमृत पिए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या खा, वो भी अमृत बन जाएगी। इसलिए एक एक लाइन का बड़ा गहरा मीनिंग, साढ़े हाथ दांत प्यारे जिस विच साइबर वासा, पहले यही विश्वास तुमको नहीं होता कि जो हमें दांत मिली है क्या, ये दांत नहीं है ये सतपुरुष, क्या तुम उसकी कदर उतनी करते हो जितनी सतपुरुष की करनी चाहिए, उस शब्द की गप्पे मारते हो तो ऐसे बिजी हो जाते किसी के साथ, और कोई ये कहे जब तुम इस दांत के मालिक हो जाते हो तुम्हारी जितनी भी मन के अवगुण है वो आपसे त्राहित हो जाते, वो कोई चीज नहीं रहती, बिल्कुल चले जाते। इसलिए जब वो आता है अंदर खाली होना चाहिए, तभी अंदर दाखिल होगा, अगर अंदर भीड़ पड़ी है तो दाखिल ही कैसे होगा, जब मन की चीजें अंदर है तो वो कहां दाखिल होगा। किसी मेहमान को ही बुलाते हो तो अंदर कचरे से लदा हुआ हो, मन का मतलब है कचरा,
मन और माया का मतलब है कचरे, कचरे में वो कैसे आएगा, उसको तो गंदगी का पता ही नहीं। वो जहां पूरा प्रेम होगा आ जाए, पूरा सत होगा आ जाएगा। तुम जब आनंद में ही हो जाओगे तो आ जाओ। आनंद में ही शब्द से कोई होता है, आनंद में चीज खाने से नहीं होती, आनंद में किसी की गप के साथ नहीं होता, आनंद में कोई पैर दौलत मिल जाने से नहीं होता। आनंद गिरता ही अमृत धारा से, अमृत धारा जो पीता है वही आनंदित हो जाता है, और वो भी अनहद की दोनों से। जो आपको अमृत, वो अमृत नहीं, वो भी अमृत नहीं, वो तुमको दिल बहलाने के लिए गालब खालच, वो अमृत नहीं, वो सिर्फ तुमको स्वर्गों तक ले जाने के लिए। अगर अमृत समझो तो ठीक है, स्वर्गों तक ले जाते, उससे आगे नहीं। साढ़े आठ दांत न्यारी है, जिस विज साइबर मास, ये दांत सत्पुरुष में आती है, फिर वापस सत्पुरुष में ही सतलोक में वापस चली जाती, क्योंकि तुम हंस बन गए, फिर दांत उन्हीं के पास वापस चली। ये तीर हो तब तक तुम्हारे पास है जब तक तुम गांव खाते रहते, जब तुम्हारी बाड़ी बजर की बन गई, अब तीर वहां क्या करे, फिर तीर वापस कोई जरूरत नहीं इसकी। इसलिए जिस समय तुम चुगली चेतना के मुताबिक हो जाते हो, हंस बन जाते हो, एक चेतना पूरी होने, फिर शब्द की कोई जरूरत, शब्द वापस सत्पुरुष के पास पहुंच। असा कल कल विच नहीं रह नहीं जाना, कल कल विच मान लुटेरा। देखो कल और कल ये असलियत में पूछो तो है ही नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है कल और कल का। एक तुम्हें रिश्ते नातों से जोड़ता, जो गुजर गया वो तुम्हें क्या बताता, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बेटा है, भाई है, दोस्त है, ये फलाना है, घर, ये सारे बंधन। इसलिए ये जो चीज कल और कल में ले जाती है, एक कल रिश्ते नातों से यादें दलाता है, मतलब याद दलाता है, चेतावनी देता है, कोई तुमने गलती की उसकी चेतावनी होती, कोई गलती की उसके ऊपर तुम्हें दुख होता है, कोई मदद की अच्छा लगता है, किसी से प्रेम किया अच्छा लगता है, तो तुम्हें यादें देता है। कल गुजर गया पास तुम्हें यादें सताती हैं, और उनमें भी तुम बहुत चले जाते, किसी से छोटा सा प्रेम हो गया उसी में खोए रहते, कोई दर्द हो गया उसी में खोए रहते, किसी ने गाली दी उसी में खोए रहते, किसी ने चोट पंचाई खोए रहते। जो गुजर गया सो यादें हैं, जो आया नहीं उसमें आशा और तृष्णा, वहां तुम्हारी आशा और तृष्णा। तो तुम्हें ये कितना बड़ा भंडार है, इससे ही बाहर नहीं निकल पाते तो प्रेजेंट में कैसे आओ, ये कोई चेष्टा से तुम आ सकते, चेष्टा से नहीं आ, ये काम यत्न से ना हुई सतगुरु के, बार बार सर को झुकाना है सतगुरु के चरणों की ओर, भागे रहना, उसकी कृपा से सब काम होगा और कुछ नहीं। बिन सतगुरु कृपा के कोई भी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं ला सकता, इसलिए ऐसी तरह कह देना प्रेजेंट प्रेजेंट से बाहर। असा कल कल विच नहीं जाना, कल कल विच मान लुटेरा है, कल दिया यादा विच की लेना है, दूजे कल विच आशा तृष्णा का डेरा, यादें और आशा तृष्णा का डेरा है। देखा जो बोला आपको बताया, तीसरे अंतर पर जाते हैं। कल कल तो सपनों का डेरा है, वो चीजें हैं क्या जो गुजर गया, उसको रखने का क्या फायदा, सपने जो अभी आया नहीं उसको अभी याद करने का क्या फायदा, सपने। तो मैंने लिखा है ना, नौ सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं सपनों से तुम निज धाम जाओ, यथार्थ में जाना पड़ता है, सपनों से नहीं जाना।
इसलिए मेरे भजन बड़े कमल। ना लो सपने, ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। ना लो सपने, ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। नतीजा मिल गया मुझको दुखों को दूर करने का, कोई दूर नहीं होता तुम्हारे कर्म से। इन चीजों को कुरेदोगे तो और दुखी मिले, सुख नहीं मिले, पर दांत पाओगे तो फिर इसको गाओगे ना, तुम्हारे अंदर के रोम रोम में अमृत झरेगा। ऐसे नहीं लिख के छोड़ के जा रहा, कोई प्यारा आएगा इनको गुनगुनाए, इनके अमृत की वर्षा लोगों तक पहुंचाएगा। तभी बादल आते तो बरसते हैं ना, आते समुद्र से उठ के आते हैं बेचारे, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो दूसरे को कुछ चेतन कर जाते हैं। वो बारिश के कतरे जो हमारे और बहते हैं, समुंदर से उठ के आते हैं, अपना बलिदान करते हैं और हमारे बगीचों को हरा भरा कर जाते हैं। इसी तरह तुम्हारे के अंदर के दिलों को हरा भरा करने की चेष्टा करो। हारे को जितनी खुशी दे सकते हो वो दो, तुम अपने में ना जुटे रहो, दूसरों के लिए कुछ करके जाओ। इसलिए कहा ना लो सपने, ये सपने कल और कल में जाना सपनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए सपने कल और कल तो सपनों का डेरा है, इसे किसी ने ना देखा जाना। किसने देखा? जो गुजर गया गुजर गया, अब उसकी याद पकड़े तो कहते हो आया नहीं, उसको याद करने से क्या ले? उसके सपने लेके तुम क्या करना चाहते हो? समय व्यस्त करना, और क्या करना? समय तुम्हारा जाया होगा और कुछ लाभ नहीं। पूर्ण मुक्ति दूर इस पल विजय, पूर्ण मुक्ति जो है प्यारो उसकी दूर इस पल में, इस पल में जब आओगे तो पूर्ण, इसी विजय खो ही जाना, खो जा इस शब्द में खो जाना, बस फिर कल और कल चला। तुम इसमें खो जाओगे तो कल और कल छूट जाए, कल और कल को मिटा दो। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार, बस अपने को मिटाते जाओ। एक बर्फ के बुत की तरह जो कि समुंदर में पुतला बर्फ का डाल, अंदर जाते जाते पिघल जाता है सारा, नीचे तक जाता ही नहीं है, आज तक भी नहीं जाता और पिघल जाता। पिघला दो अपने आप को, अपने अपने मान, मान लुटेरा है, मैंने कहा ना ऊपर लिखा मान लुटेरा है, तुम्हारे अंदर जो मन है ये लुटेरा है। कल और कर्म ले जाते इसको और कोई काम, मन तुम्हारे का कोई और काम नहीं, बुरी आदतें देता और कल और कर्म ले जाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच वृत्तियां इसी की, ये पल पल बरमाती है, प्यू प्यू करती हो। जो देखो कर्म इंद्रियां आपके जो ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां काम करते हैं, ज्ञान इंद्रियां आपकी क्या, कान तुम्हारा क्या करता, सुनने में लगा कुछ ने गाली दी सुन सुन निकल वहां से क्या रुका, आंख है तो वो वही चीज देखेगी, लोचन बन जाएगी, 3 सेकंड से ज्यादा देखो तो लोचन हो जाते हो तुम, किसी को बुरा लगता है कि तुम क्यों देखो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नाक गंदी जगह से फटाफट बंद करते हो तो भागते, और मुंह को अच्छी चीज देते हो खाने के लिए, और बोलना है तो वो भी बड़ा प्यारा बोलो, मीठा बोलो, क्यों गाली बकते हो किसी के, क्यों बुरे शब्द किसी को सुनाते, मीठा मीठा लेते हो कड़वा दूसरे की ओर फेंकते हो,
ये कोई अच्छी बात थोड़ा, परंतु जब तक तुम जागोगे ये बात नहीं बने, बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करे हो पाए। पूर्ण मुक्ति दौर इस पल में प्यारो, इसी विच हो ही जाना है बस, पूर्ण मुक्ति की तरह चले इसमें खोज, बस इसमें खोते जाना है, इस पल में रहते जाना। इसलिए मैं तीसरे अंत तक रखूंगा, कल तुम्हारे पास आऊंगा, कल फिर आपके पास बात, कल नहीं मैंने आना, अब एक दिन छोड़ के आता हूँ, दो दिन अभी कोई डिसाइड नहीं है, जब आऊंगा तो इसको आगे चलाऊंगा, कोई भजन भी लेके आऊंगा और इसको आगे भी चलाऊंगा, क्योंकि भजन बिन बात बने कोई कोटन करे, भजन बिन विरे और विराग ही नहीं जागेगा तो तुम्हारा मन और मान कैसे जाएगा। विरे विराग जाएगा आएगा तो मन मान भाग जाए, मन मान को भगाना है, विरे विराग को लगाना है, उसी से प्रेम उपजे, प्रेम का फूल खिले, प्रेम का फूल खिला तो सत साथ है तो आनंद आगे, उस काम करने में तुम्हें तीनों चीजें मिल जाएंगी, प्रेम सत्व और आनंद। तो प्यारे सत्संग जी मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के